Hello, future chartered accountants. Today we are going to revise GST audit. So let us start with the definition of audit under the GST Act. So two clause 13 define karta what is audit. Audit means is an examination of the records, returns and other documents. तो यहाँ पे क्या क्या होता है, records भी examine होते हैं, returns भी होती है and other documents. ठीक है, अब यहाँ पे important point अभी अपन आगे पढ़ने वाले, whether these documents are maintained under this act or under any other act. तो मतलब हम सारे वाले, those records, returns and documents have been maintained under the GST Act or any other law. तो मतलब हम जो companies act में books of account maintained है वो भी हम examine कर सकते हैं, या फिर कोई income tax के लिए कोई record बना रखा है तो भी हम examine कर सकते हैं. तो GST auditor can examine records, returns and other document whether that have been maintained under the GST Act or any other law. That is of very 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 significance. So we have to understand the word the or any other law. तो मतलब चाहे companies act के अंदर maintained है, then the GST auditor also have the right to verify that record, है ना. उससे हमें क्या verify करना है, to verify the correctness of the turnover, taxes paid. Turnover के ऊपर GST rate आते हैं तो taxes आता है, ठीक है. ITC availed and the refund claim. तो turnover, taxes paid, ITC availed and the refund claim. तो और हमें इसकी correctness को verify करना है. And to assess the auditee's compliance with the provision of the GST Act and the rules. तो अगर मैं बोलूँ, what is the objective of the GST audit? It is the examination of the records, returns and other document which have been maintained either under this Act or under any other law to verify the correctness of turnover and then the taxes paid and then the ITC availed and then we claim refund, ठीक है. And to assess the auditee's compliance with the provision of the GST Act and the rules. तो ये अपना होता है objective of GST audit cover. अब अपन चलते हैं types of audit. There are three types of audit. First being under section 65, the second one being section 66 and section 35, जो कि अपना क्या बोलते हैं GSTR 9C है. Section 35 में कौन सी है, GSTR 9C. अभी अपन एक एक को cover करते हैं. यहाँ पे सेक्शन 65 में कब ऑडिट होता है, जब टैक्स अथॉरिटी जहाँ पे कमिश्नर या फिर एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज बाय हिम, है ना, वो ऑडिट कर सकता है ऑफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन फॉर सच पीरियड. तो मतलब कमिश्नर और एनी अदर पर्सन ऑथराइज बाय हिम टेन अंडरटेक सेक्शन 65 ऑडिट. अभी मैंने यहाँ पे एक चार्ट भी बना रखा है. तो सेक्शन 65 में कौन ऑडिट कर सकता है, कमिश्नर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज बाय हिम कैन डू ऑडिट. सेक्शन 65 ऐसा बोलता है. स्पेशल ऑडिट क्या होता है, स्पेशल ऑडिट तब होता है जब किसी इंक्वायरी चल रही थी और उसमें क्या कर रहा है, जो बंदा इंक्वायरी कर रहा था उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, हैव इन रिगार्ड्स टू द वॉल्यूम ऑफ द अकाउंट. देखो ठीक है, जो अपन सेक्शन 142A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ते, तो स्पेशल ऑडिट हो सकता है अंडर सेक्शन नंबर 66, बट दिस कैन बी डन ओनली बाय द सीए और द कॉस्ट अकाउंटेंट. सेक्शन 65 में ऑडिट कौन करता है, कमिश्नर या फिर एनी अदर पर्सन ऑथराइज बाय हिम. तो वहां पे तो टैक्स अथॉरिटी खुद ऑडिट करती है, लेकिन सेक्शन 66 में क्या होता है, अ सीए और द कॉस्ट अकाउंटेंट कैन डू द ऑडिट. तो स्पेशल ऑडिट वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन टू गेट हिज रिकॉर्ड्स बुक्स ऑफ इंक्लूडिंग बुक्स ऑफ अकाउंट एग्जामाइन बाय अ सीए और अ कॉस्ट अकाउंटेंट. लेकिन ये तब होता है जब किसी स्टेज ऑफ स्क्रूटनी, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के अंदर अंदर प्रॉब्लम आई है किसी असिस्टेंट कमिश्नर या अबव विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर. देखो मैं आपको रिवाइज कराता हूं, सेक्शन 66 बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो कौन बंदा ऑथराइज करता है, तो ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर बट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर. तो आपको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है कमिश्नर की, ठीक है. अब किन किन सिचुएशन में अपन करवाते हैं, तो जहां पे वैल्यू हैज नॉट बीन करेक्टली डिक्लेयर या फिर जो क्रेडिट हमने अवेल किया है दैट इज नॉट विद इन द लिमिट, है ना. तो अपन ने देखो जीएसटी ऑडिट का हमने क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव is to verify the correctness of the turnover declared. Turnover का मतलब क्या हुआ, value, ठीक है, and taxes paid and the ITC availed. तो जब इन दोनों cases में, मतलब जहाँ पे turnover सही से declare नहीं हुआ और ITC is not within the normal limits, then the officer not below the rank of the assistant commissioner with the prior approval of the commissioner. यहाँ पे important point क्या है, with the prior approval of the commissioner can direct a CA or a CMA to undertake special audit under section 66. तो ये बंदा जो होता है it is nominated by the commissioner, ठीक है, ये अभी अपन ने समझ लिया. अब अपन चलते हैं section 35 वाला बहुत simple है. This is about GSTR 9C. तो general audit, special audit, है ना, audit by tax authorities होता है वो होता है section नंबर
65 में, जहाँ पे अपन ने पढ़ा कमिश्नर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज बाय हिम, वो एटलीस्ट 15 वर्किंग डेज का प्रायर नोटिस देंगे ऑडिट करने से पहले, और उन्हें ऑडिट कंप्लीट करना पड़ेगा विद इन 3 मंथ्स, और एक्सटेंशन उन्हें मिल सकती है मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ्स. तो अगर मैं बोलूँ, आपको नोटिस देना पड़ेगा प्रायर टू कमेंसिंग द ऑडिट ऑफ एटलीस्ट 15 डेज, और आपको ऑडिट कंप्लीट करना पड़ेगा विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट, एंड एक्सटेंशन कैन बी ग्रांटेड बाय द कमिश्नर इफ रीजंस आर रिकॉर्डेड इन राइटिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ. ठीक है, अब जैसे ही मान लो अब इसमें कुछ फाइंडिंग्स मिली होगी दैट यू नीड टू कम्युनिकेट विद द रजिस्टर्ड पर्सन विद इन 30 डेज, तो आपको यू हैव टू कम्युनिकेट विद द रजिस्टर्ड पर्सन विद इन 30 डेज. अब इस वाले में क्या हो रहा है, इलस्ट्रेशन में 15 नवंबर को नोटिस मिला, बोला कि 21 नवंबर को हम आपका ऑडिट करेंगे, तो दिस इज नॉट वैलिड बिकॉज वी हैव टू गिव अ नोटिस ऑफ 15 वर्किंग डेज, तो दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज इनकरेक्ट, है ना. अब अपन चलते स्पेशल ऑडिट अंडर सेक्शन 66. ये कब हो सकता है, अब भाई अपन ने पढ़ा कि दिस इज ये तब होता है जिन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर, उसे ऐसा लगता है दैट वैल्यू ऑफ हैव नॉट बीन करेक्टली डिक्लेयर, या फिर ITC इज नॉट अवेल विद इन द नॉर्मल लिमिट्स, तो वो क्या बोल सकता है कि आप सेक्शन 66 का ऑडिट करवाइए. ठीक है, वैल्यू हैज नॉट बीन करेक्टली डिक्लेयर एंड क्रेडिट अवेल इज नॉट विद इन द नॉर्मल लिमिट्स, तो मतलब ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर कैन डायरेक्ट द असेसी टू गेट इज रिकॉर्ड्स एग्जामिन्ड बाय द CA और द CMA. ठीक है, अगर उसे लगता है हैव इन रिगार्ड टू द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी एट एनी स्टेज ऑफ द स्क्रूटनी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, तो वो कर सकता है स्पेशल ऑडिट अंडर सेक्शन 66. ये दिस इज सिमिलर टू ऑडिट अंडर सेक्शन 142, जो अपन ना स्पेशल ऑडिट होता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, दिस इज सिमिलर टू दैट. ठीक है, अब इसमें क्या प्रोसीजर है, आपको टाइम कितने दिन में कंप्लीट करना पड़ता है, दिस नीड्स टू बी कंप्लीटेड विद इन 90 डेज, एंड द ऑडिटर नीड्स टू सबमिट हिज रिपोर्ट इन द फॉर्म नंबर ADT 04. दिस यू नीड टू रिमेंबर बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑडिटर नीड्स टू सबमिट हिज रिपोर्ट इन ADT 04 व्हेन ही कंडक्ट्स द स्पेशल ऑडिट, एंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन कैन बी ग्रांटेड ऑफ 90 डेज, और जो इसका खर्चा होता है दैट नीड्स टू बी बॉर्न बाय द कमिश्नर, मतलब इसका खर्चा इज नॉट बॉर्न बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, रादर इट इज बॉर्न बाय द कमिश्नर, तो सो ऑल द एक्सपेंसेस of this audit is borne by the commissioner and it needs to be completed within 90 days and a further extension of 90 days is possible and the auditor needs to submit his audit report in form number ADT 04. Hope this is clear to you all. Here is section 65, section 66, and now we move on to section 35. 35 is all about अपना क्या बोलते हैं GSTR 9C. ये तब करवाना पड़ता है when your turnover exceeds 5 करोड़, लेकिन आज भी लॉ में 2 करोड़ लिखा हुआ है, लेकिन इसके लिए नोटिफिकेशन आती रही है फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड नाउ GST ऑडिट इज एप्लीकेबल ओनली इफ योर टर्नओवर इज मोर देन 5 करोड़. तो अब पेपर में लॉ के अंदर जो लिखा है वो 2 करोड़ लिखा है, बट एज पर द नोटिफिकेशन अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर, यू हैव टू सी द एग्रीगेट टर्नओवर. व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट टर्नओवर इन GST? सारे स्टेट्स का टर्नओवर, मतलब 8 PAN के ऊपर जितने भी GSTN है, यू नीड टू सबमिट, you need to do sum of all of that and then you check whether it crosses the limit of 5 crore. तो अब अपना देखो, वैसे तो law के अंदर जो लिखा है वो 2 crore था, लेकिन it has been extended up to 5 crore, तो आज की date में 5 crore तक आपको GST audit करवाने की कोई जरूरत नहीं है. अब देखो ये जो language है, this is under section 44. Section 44 is about, section 44 of the CGST Act is about annual return. Annual return क्या बोलता है? वो annual return आपको भरनी पड़ेगी with the audited annual accounts and reconciliation statement. तो section 44 बोलता है कि आपको एनुअल रिटर्न भरनी पड़ेगी, साथ साथ में आप क्या लाना, ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स लाना, उसके साथ में साथ साथ में आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लाना, जो कि सेक्शन 35 में रेफर्ड है, ये वाली स्टेटमेंट. तो देखो सेक्शन 35 रेड विथ सेक्शन 44 गिव्स अ राइज टू द कॉन्सेप्ट नेम्ड GSTR 9C. तो अपन सेक्शन 35 में पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट, जो कि उस रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर है जिसका टर्नओवर इज ग्रेटर देन 5 करोड़. ठीक है, एज पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन. प्लस सेक्शन 44 बोलता है जब आप एनुअल रिटर्न भरो, साथ में एनुअल अकाउंट्स की कॉपी लगाना, एंड साथ साथ में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज स्पेसिफाइड इन फॉर्म नंबर GSTR 9C. ठीक है, तो ये देखो ये टेबल दे रखी थी अपन को, 2017-18 के लिए लिमिट 2 करोड़ थी, लेकिन 18-19 और 19-20 के लिए 5 करोड़ है, तो आपको GST ऑडिट तभी कराना है. तो
जब आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर चल जाता है, ठीक है। अब आपको क्या देखना, इट इज द समिशन ऑफ ऑल दी ब्रांचेस। देखो एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, एक वर्ड होता है टर्नओवर इन अ स्टेट और एक होता है एग्रीगेट टर्नओवर। तो टर्नओवर इन अ स्टेट मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर जीएसटीएन का टर्नओवर, ठीक है। लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, जितने भी उस पैन नंबर पे जीएसटीएन है, वी नीड टू डू सम ऑफ ऑल ऑफ दैट ब्रांचेस एंड दैट इज द एग्रीगेट टर्नओवर। तो अब अपने 5 करोड़ की जो लिमिट देखनी है, दैट विल बी कवरिंग ऑल दी ब्रांचेस। तो हमें जहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस है, द टोटल एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ऑल सच ब्रांचेस इज कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग द थ्रेशोल्ड। अब इंटरनल ऑडिटर जीएसटी ऑडिटर नहीं बन सकता, जीएसटी ऑडिटर मतलब जीएसटी प्रैक्टिशनर कैन नॉट बी अ जीएसटी ऑडिटर, क्योंकि जीएसटी प्रैक्टिशनर को कोई भी बन सकता है, बट जीएसटी ऑडिटर नीड्स टू बी अ सीए और अ सीडब्ल्यूए, ठीक है, आपको ये माइंड में होना चाहिए। अभी अपन ने पढ़ा ना जीएसटी ऑडिट सेक्शन 35 में कौन कर सकता है, ओनली अ सीए और अ सीडब्ल्यूए। तो जीएसटी ऑडिटर नीड नॉट बी अ जीएसटी प्रैक्टिशनर, ठीक है। कौन कौन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, तो दिस इज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 35 जहां पे अपन ने पढ़ा था जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा जाता है उसे जीएसटी ऑडिट करवाना पड़ता है। बट दिस इज एन एक्सेप्शन जहां पे अ डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी जिसका सीएजी ऑडिट करता है, देन यू नीड नॉट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू टू यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट योर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड अंडर सेक्शन 35। तो डिपार्टमेंट of CG, SG, local authority whose books of accounts are audited by the CNAG is not required to get separately books of account audited under section 35. Similar is the case with the OIDAR and the foreign company which is an airline company. So foreign company which is an airline company need not comply with the provision of GSTR 9C. So dekho, फॉरन एयरलाइन कंपनी उसे क्या करना है, उसे GSTR 9C नहीं भरना, लेकिन उसे अपनी स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट भरना है, दैट नीड्स टू बी सर्टिफाइड बाई ओनली अ CA। यहाँ पे सिर्फ CA लिखा है, हेयर इट इज नॉट CWA। तो देखो फॉरन एयरलाइन को क्या करना है, इट्स स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स इंडियन बिजनेस बनाना है एंड इट नीड्स टू बी गेट सर्टिफाइड बाई द CA एंड यू नीड टू सबमिट इट टू द GST अथॉरिटी बाई द लेटेस्ट ऑफ 30th सेप्टेंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर। मतलब इस फाइनेंशियल ईयर का कब तक होगा, अगले साल 30th सितंबर तक। तो दिस नीड्स टू बी सर्टिफाइड बाय द CA ओनली। तो देखो अपन ने पढ़ा OIDAR फॉरेन एयरलाइन कंपनी एंड डिपार्टमेंट ऑफ द CGSGLA जिनका ऑडिट होता है, यू नीड नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 35, ठीक है। लेकिन फॉरेन एयरलाइन कंपनी के केस में यू नीड टू गिव स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट लेटेस्ट बाय द 30th सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अभी अपन ने 5 करोड़ की जो लिमिट देखी, दैट नीड्स टू बी द एग्रीगेट टर्नओवर, मतलब सारी यूनिट्स का टर्नओवर। तो अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 8 करोड़ है तो देन यू नीड टू कंप्लाई विद द जीएसटी ऑडिट। अब यहाँ पे क्या है, इन इसकी 4 ब्रांचेस थी शायद, ठीक है। तो इसमें क्या था, मतलब क्या बोलते हैं 1.55 करोड़, अच्छा 2 मिनट, हाँ उसका, अच्छा ओके देखो इसका फर्स्ट क्वार्टर में सेकंड क्वार्टर में टर्नओवर इतना है, थर्ड क्वार्टर में इतना है और फोर्थ क्वार्टर में इतना है। तो टोटल टर्नओवर कितना हो गया, 1.55 प्लस 1.45 दैट कम्स आउट टू 3 एंड 4.5, ठीक है। अब इसका जो फर्स्ट क्वार्टर में जो टर्नओवर था वो 0.70 करोड़ था, तो ये दिस क्रॉसेस 5.2, तो ये 5.2 हो जाता है, 5.2 करोड़ हो जाता है। तो देखो दिस इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 5 करोड़, सो ही इज लाइबल फॉर जीएसटी ऑडिट। इसका टर्नओवर कितना हुआ, 1.55 प्लस 1.45 प्लस 1.5 प्लस 0.70, इट कम्स अप टू 5.2 एंड दिस इज ग्रेटर देन 5 करोड़, सो ही नीड्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ जीएसटी ऑडिट। यू कैन रीड आउट ऑल द इलस्ट्रेशंस, दिस इज वेरी इजी, ठीक है। अब अपन चलते हैं प्रोसीजर ऑफ ऑडिट। सबसे पहले प्रीलिमिनरी रिव्यू, देन वी नीड टू प्लान आवर ऑडिट, ऑडिट planning, the third one is the steps for the GST audit that we need to comply with. This is a very important questions where we need to evaluate the internal controls with respect to GST, and the fourth one being the audit approach that we will follow while conducting our audit, and the fifth, this is also very important, accounting standard versus GST, what is a difference between the accounting treatment that we give in our books of account and what is required under the GST Act. This is very important. And the sixth point being GST audit in the computerized environment and various returns and annual compliances under the GST. तो अपने discussion को अपन divide करते हैं। पहला preliminary review। Preliminary review में अपन क्या करते हैं, अपन सबसे पहले knowledge of the business लेते हैं, understanding लेते हैं technology की and internal control system की, and we assess the risk। तो अपन सबसे पहले understanding लेते हैं
of the business टेक्नोलॉजी एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड देन वी असेस द रिस्क. ठीक है, तो सबसे पहले प्रीलिमिनरी रिव्यू, तो अंडरस्टैंडिंग ली नॉलेज किसकी, बिजनेस की, टेक्नोलॉजी की, ICS की, एंड देन वी असेस द रिस्क असेसमेंट. ठीक है, अब अपन चलते ऑडिट प्लानिंग. तो यहाँ पे अपन को अंडरस्टैंडिंग किसकी लेनी है, ऑफ द अकाउंटिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, कैसे ट्रांजेक्शन को अकाउंट फॉर किया जाता है, एंड हाउ डू वी रिपोर्ट द सेम टू द GST अथॉरिटी, एंड वी नीड टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग of the reconciliation and of the internal control systems that are implemented. तो देखो preliminary में अपन ने general understanding ली, किस किस की, business की general understanding ली, internal control system की understanding ली, technology की understanding ली, and then we assess the risk. This was about the general. ठीक है, audit planning is related to more particularly focus on the GST audit, where we need to understand the accounting of the transactions that are reported to the GSTN portal, and we need to reconcile the data, and we need to obtain the internal controls that are relevant for the GSTN. ठीक है, GST related data से जो related internal control है, we need to obtain and understand it. And what is the step for the GST audit? सबसे पहले हमें देखना है whether it is applicable on us. ठीक है, फिर दूसरा हमें चेक करना है वेदर आई एम एलिजिबल टू डू द GST ऑडिट, बिकॉज इट नीड्स टू बी डन बाई द CA और CWA. ठीक है, फिर मुझे अंडरस्टैंडिंग लेनी है नेचर ऑफ बिजनेस, ये सब. ठीक है, वी नीड टू प्रिपेयर अ क्वेश्चनेयर जहाँ पे हम GST रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे उनसे. ठीक है, स्पेसिफिकली डेवलप्ड क्वेश्चंस ऑन दोज इशूज ऑन विच द GST लॉ वुड हैव अ बेयरिंग. ठीक है, एंड वी विल प्रिपेयर अ ऑडिट प्रोग्राम एंड वी विल डू द रेलिवेंट reconciliation दैट इज रिक्वायर्ड अंडर GSTR 9C. तो सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी, एलिजिबिलिटी देखो अपनी, है ना, क्या मैं बन सकता हूँ. फिर मुझे अंडरस्टैंडिंग लेनी है, वी नीड टू डेवलप अ सेट ऑफ questions, एंड वी नीड टू डेवलप अ ऑडिट प्रोग्राम, एंड देन वी नीड टू डू द होस्ट ऑफ reconciliation. तो दिस इज द स्टेप फॉर द GST ऑडिट. सबसे पहले preliminary review, अंडरस्टैंडिंग लेनी है बिजनेस की, टेक्नोलॉजी की, ICS की, एंड देन वी नीड टू असेस द रिस्क. फिर आता है अपना ऑडिट प्लानिंग, अकाउंटिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, रिपोर्टिंग टू द GSTN पोर्टल, एंड देन वी नीड टू डू द reconciliation ऑफ डेटा, वी नीड टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग, है ना, और फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंटेड. ये हो गया स्टेप्स फॉर द GST ऑडिट, भी क्लियर है अपने को. अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है, अपन को समझना है द इवैल्यूएशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल विज़िविस कंप्लायंस अंडर द GST लॉ वुड इंडिकेट द एरिया टू बी फोकस. ठीक है, तो देखो अपन ने क्या किया, अभी जो अपन ने ऑडिट प्लानिंग फेज में इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ली थी रिलेटेड टू GST एरियाज, अब हमें क्या करना है, उसका इवैल्यूएशन करना है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज इवैल्यूएशन. अब अपन क्या करने जा रहे हैं, इवैल्यूएशन करने जा रहे हैं. तो अब अपन इसके लिए क्या क्या चीज़ें रेफर कर सकते हैं, हम स्टैट ऑडिटर्स की रिपोर्ट रेफर कर सकते हैं जिसमें वो रिपोर्टिंग करते हैं ऑन दी रिकॉर्ड्स मेंटेन, स्टॉक एंड फिक्स्ड एसेट. कारों में भी रिपोर्टिंग होती है, और अगर कोई इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस है तो वो उसमें भी बताते हैं. तो हम स्टैट ऑडिटर की रिपोर्ट रेफर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट रेफर कर सकते हैं, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट रेफर कर सकते हैं. इससे हमें इवैल्यूएशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल पता चल जाएगा कि हाँ यार कुछ डेफिशिएंसी है या नहीं है. तो स्टैट ऑडिट रिपोर्ट, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट. ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चनेयर बना सकते हैं. ठीक है, जिसमें हम क्या पूछेंगे, जनरलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर, जो कि सॉफ्टवेयर यूज होता है, उसके बारे में हम कुछ क्वेश्चंस डेवलप कर सकते हैं. एंड वी कैन डू आवर ऑडिट ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क बेस्ड ऑडिट. रिस्क बेस्ड ऑडिट में क्या करते हैं, हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क, फिर हम देखते हैं कि क्या रिस्क क्यों अराइज होती है, एंड देन एड्रेस द रिस्क. ठीक है, ये रिस्क बेस्ड ऑडिट का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं. फिर हम क्वेश्चनेयर इस टाइप का बना सकते हैं कि हमारी रिकंसिलिएशन कैसे होती है, हम क्या कर सकते हैं, ग्रॉस ट्रायल बैलेंस को रिव्यू कर सकते हैं कि कोई ऐसी इनकम तो नहीं है जिस पे GST नहीं पे हो रहा, या फिर हम परचेजेस और एक्सपेंसेस को रिव्यू कर सकते हैं कि कोई ऐसी परचेज तो नहीं जिसमें रिवर्स चार्ज में टैक्स देना हो. हम फॉरेन एक्सचेंज आउटगोइंग को देख सकते हैं कि कोई ऐसी हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज तो नहीं करी है जिस पे हमें रिवर्स चार्ज में टैक्स देना था. हम स्टॉक ट्रांसफर की रिकंसिलिएशन को चेक कर सकते हैं, एंड वी कैन डू रेशियो एनालिसिस. सबसे पहले हम स्टैट ऑडिट, इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, इन्हें हम इवैल्यूएशन के लिए सबसे पहला बेस बनाएंगे. फिर हम इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर्स डेवलप करेंगे अराउंड द फॉलोइंग एरियाज कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या है. ठीक है, रिकंसिलिएशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट विद द रिटर्न, एंड हम रिव्यू करेंगे ग्रॉस ट्रायल बैलेंस को, कुछ ऐसी इनकम तो नहीं है जिसपे हम GST नहीं देते, है ना, हम या फिर ट्रायल बैलेंस में ही उठाएंगे परचेजेस और एक्सपेंसेस जिसपे रिवर्स चार्ज लगता है, या हम देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज आउटगो वाला लेजर, उसमें हम देखेंगे कोई ऐसी
पेमेंट तो नहीं है, दैट इज रिलेटेड टू द इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, है ना, और हम स्टॉक ट्रांसफर्स का रिकंसिलेशन कर लेंगे एंड देन वी डू रेशियो एनालिसिस. तो इसमें हमें कंट्रोल्स का इवैल्यूएशन हो जाएगा कि वेदर द कंट्रोल्स दैट आर ऑपरेटिंग रिलेटिंग टू जीएसटी आर इफेक्टिव और नॉट. ठीक है, अब अपन क्या करने वाले, ऑडिट अप्रोच. अब देखो हमें ऑडिट स्टार्ट करना है तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, बैकअप ले लेंगे ऑफ द मंथली रिटर्न एज वेल एज द एनुअल रिटर्न. ठीक है, तो हम क्या लेंगे, बैकअप ले लेंगे मंथली रिटर्न एज वेल एज द एनुअल रिटर्न और अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे जो कि रिपोर्ट जनरेट करती है बाय द जीएसटीएन पोर्टल एज वेल एज द इंटरनल रिकॉर्ड्स. तो हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे ऑफ द मंथली रिटर्न एज वेल एज द एनुअल रिटर्न, बैकअप ले लिया उसका, और हम क्या करेंगे, वी विल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग क्या क्या रिपोर्ट जीएसटीएन पोर्टल देता है और क्या क्या सिस्टम से निकलती है हमारे सिस्टम से रिपोर्ट. ठीक है, फिर हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि क्या हम एलिजिबल है आईटीसी लेने के लिए. ठीक है, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टैक्सेबिलिटी ऑफ द आउटवर्ड सप्लाईज एंड द ट्रांजेक्शन कवर्ड अंडर द आरसीएम. तो देखो दो चीजें, अभी अपन ने ऑडिट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी ऑडिट पढ़ा था जहाँ पे अपन को टर्नओवर डिक्लेयर, टैक्सेस पेड एंड आईटीसी अवेल. तो तीनों पॉइंट हमें इन तीनों की अंडरस्टैंडिंग लेनी है. ठीक है, टैक्सेबिलिटी ऑफ द आउटवर्ड सप्लाईज एंड द ट्रांजेक्शन कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड द एलिजिबिलिटी ऑफ द आईटीसी अवेल, तीनों की अंडरस्टैंडिंग ली एंड वी शुड टेक द बैकअप ऑफ द मंथली रिटर्न एज वेल एज द एनुअल रिटर्न. तो अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ मतलब ये हमारी ऑडिट अप्रोच रहेगी, मतलब हमें ऑडिट में करना क्या है, वी नीड टू टेक बैकअप ऑफ द मंथली रिटर्न एनुअल रिटर्न. हमें ये भी देखना है सिस्टम से क्या क्या निकलता है. जीएसटी अभी आपको पता होगा जीएसटी आर 9 ऑटो पॉपुलेटेड आता है, 9C भी ऑटो पॉपुलेटेड आती है, तो आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग ले ली. फिर आपने देखा इंटरनल रिकॉर्ड से क्या क्या रिपोर्ट आती है, वो सब भी अंडरस्टैंडिंग ले ली. फिर आपको टर्नओवर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्नओवर डिक्लेयर लेना है और आईटीसी अवेल्ड उसकी बारे में अंडरस्टैंडिंग लेनी है. ठीक है, अब आता है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है, अब अपन समझने जा रहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्सेस जीएसटी में क्या क्या फर्क है. अभी आपने समझा होगा प्रिंसिपल एजेंट जब सप्लाई करता है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल देन इट इज डीम्ड टू बी अ सप्लाई अंडर शेड्यूल वन, तो शेड्यूल वन के अंदर वो सप्लाई माना जाता है. ठीक है, अब लेकिन जब प्रिंसिपल ने एजेंट को ट्रांसफर किया होगा देन दैट इज नॉट एन सेल फॉर द प्रिंसिपल एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बट एज पर जीएसटी इट इज अ सेल. तो दिस क्रिएट्स अ मिसमैच बिटवीन क्या बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड द जीएसटी. तो सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एजेंट एंड ओनली कमीशन इनकम इज शोन एज द रेवेन्यू ऑफ द एजेंट बट अंडर द जीएसटी लॉ सच टर्नओवर वुड बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द एजेंट्स टर्नओवर. तो ये दिस इज एन अकाउंटिंग मिसमैच. सिमिलर इज द केस विद अपना ब्रांच ट्रांसफर्स. अब अपन ब्रांच ट्रांसफर करते हैं, दिस इज नॉट अ सेल फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट दिस इज अ सप्लाई एज पर द शेड्यूल वन, तो डीम्ड सप्लाई है ना, तो दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस. अब जीएसटी ऑडिट इन कंप्यूटराइज एनवायरमेंट ये आप बस रीड कर लेना बट रीड इट आउट डेफिनेटली बिकॉज क्या पता इससे क्वेश्चन बन जाए. ठीक, देखो इसमें क्या है, मैं आपको थोड़ा बहुत कवर करा देता हूँ. देखो सारी रिपोर्ट जितनी भी है सारी ऑनलाइन निकलती है, जीएसटी आर 1, 2A, 2B, 3B, ईवे बिल, GSTR 9, सब कुछ ऑनलाइन है. ठीक है, द इंक्रीज यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी हैज पिटफॉल्स व्हेन सफिशिएंट कंट्रोल्स आर नॉट बिल्ट विद इन. तो ये थोड़ा बहुत ज्ञान अपने को चिपकाना है यहाँ पे. ठीक है, तो अपने को ये बताना है GSTR मतलब जितने भी ऑडिट रिपोर्ट जितने भी रिपोर्ट्स है सारी ऑनलाइन जनरेट होती है, सारा टू वे मैचिंग होता है, टू बी और आईटीसी का रिको बनता है. ठीक है, तो सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही है. ठीक है, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जीएसटी ऑडिटर इज टू एसेस द एंटायर सीएस एनवायरमेंट एंड गेट द मैक्रो पर्सपेक्टिव ऑफ द डेटा अवेलेबिलिटी एंड द सिस्टम रिलायबिलिटी. ट्राई करना थोड़ा बहुत अपन इसकी लैंग्वेज को याद कर ले, मुझे पता है थोड़ा सा ये ज़्यादा ट्रैमिंग वाला हो जाएगा लेकिन कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो चलता भी है. ठीक है, तो ये आप ये एक बार ना थोड़ा सा रीड आउट कर देना. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेरीफिकेशन फॉर द मैचिंग ऑफ आईटीसी अवेल विद द आउटवर्ड सप्लाईज बीइंग लार्ज इन नंबर कैन नॉट बी डन मैनुअली. तो ये अपने वो कंप्यूटराइज एनवायरमेंट में करना पड़ेगा, तो अपन ये करना चाहिए. ठीक है, अब देखो GSTR 9 किसकी होती है, नॉर्मल रजिस्टर पर्सन के लिए, 9A किसके लिए होती है, कंपोजिशन वालों के लिए, 9B किसके लिए होती है, ECO वालों के लिए, एंड 9C इज बेसिकली द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, है ना. अब अपन पढ़ते हैं सेक्शन 44. सेक्शन 44 क्या बात करता है, एनुअल रिटर्न की बात करता है. तो सेक्शन 44 बात करता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन किन किन को एनुअल रिटर्न नहीं भरनी, अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जो कि TDS या TCS कलेक्टर है या फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या फिर NRTP है. ठीक है, तो इन बंदों को फाइल नहीं करनी. कौन कौन, ISD पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 51, देखो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ISD, NRTP है ना, NRTP और हमारा क्या बोलते हैं TDS TCS वाले बंदे या फिर OIDAR. ये पॉइंट ऊपर नहीं था लेकिन इन्हें भी एनुअल रिटर्न नहीं भरनी पड़ती. तो किन किन को नहीं भरनी पड़ती, अभी अपन ने समझ लिया, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन 51-52 वाले, TDS TCS, ISD और NRTP एंड OIDAR. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लर्न करना है कि इन इन बंदों को ऑल दी रजिस्टर्ड पर्सन
must file GSTR9, but the following are exempted: casual taxable person, ISD, इन सबको GST returns नहीं भरनी पड़ती, ठीक है। अब अपन आते हैं GSTR9C में। ये बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको यहाँ से करवाऊंगा GSTR9C। देखो, सबसे पहले तो आपको समझना है GSTR9C में क्या है। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स है, तो सबसे पहले बेसिक डिटेल्स में क्या क्या है। फिनेंशियल ईयर डालना है, जिस ईयर का आप ऑडिट कर रहे हो। GSTN नंबर डालना है, लीगल नेम डालना है। देखो, 3A और 3B है, ठीक है, लीगल नेम और ट्रेड नेम, ठीक है। लीगल नेम क्या होता है, जैसे हमारे ICRA स्टडी मटेरियल में बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल दे रखा है कि जैसे लेट सपोज लीगल नेम ऑफ इंडिगो इज इंटर ग्लोब एविएशन प्राइवेट एविएशन लिमिटेड, तो ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं लीगल नेम। लेकिन इसका ट्रेड नेम हम कैसे जानते हैं, दिस इज रिकग्नाइज बाय द नेम ऑफ इंडिगो, तो हमें कैसे देना है इंटर ग्लोब लीगल नेम में वो बताना है, एंड ट्रेड नेम में हमें उसका शॉर्ट फॉर्म बता देना है, ठीक है। आर यू लाइबल टू ऑडिट अंडर एनी एक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अगर आप जैसे ही यहाँ पे यस करोगे ना, तो आपका पार्ट बी में फर्क पड़ता है। देखो, इसका यस या नो से पता क्या फर्क पड़ता है, इसके यस और नो से आपका जो पार्ट बी है ना, जिसमें ऑडिटर को अपनी एक स्टेटमेंट देनी पड़ती है। जैसे फॉर्म अपन ने पढ़ा था ना 3CA, ठीक है, 3CA 3CB, तो वैसे ही वाला सीन है। इसकी वजह से क्या होता है, अपना नीचे वाला पार्ट चेंज हो जाता है। अगर अपन यहाँ पे यस करते हैं ना, तो क्या होता है, अपना नीचे वाले में आर यू लाइबल टू ऑडिट अंडर एनी एक्ट, तो अब क्या आपको किसी और एक्ट में ऑडिट करवाना पड़ता है, चाहे इनकम टैक्स हो चाहे कंपनीज एक्ट हो। तो अगर आप जैसे ही यहाँ पे हाँ भरते हो, तो जो GST ऑडिटर है उसका मतलब उसके लिए ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर ओपिनियन नहीं देना पड़ता, ठीक है। मतलब उसे जैसे आपने समझो आप बात, अगर जैसे ही आपने यस किया है यहाँ पे, ठीक है, तो आपका मतलब किसी और एक्ट में ऑडिट हो रहा है, लेट सपोज कंपनीज एक्ट में आपका ऑडिट हो रहा है, तो आपकी ऑडिट रिपोर्ट उस एक्ट वाली यहाँ पे लगेगी, ठीक है। तो जो GST ऑडिटर को अपना ओपिनियन देना है, वो सिर्फ अपना किसके ऊपर ओपिनियन देना है, इस स्टेटमेंट के ऊपर देना है। अदरवाइज उसे किसके ऊपर ओपिनियन देना पड़ेगा, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर भी देना पड़ेगा और GSTR 9C के ऊपर भी देना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे नो करते हो, तो आपको 9C के ऊपर भी ओपिनियन देना पड़ेगा और फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर भी देना पड़ेगा, ठीक है। फिर अपन करते हैं रिकंसिलिएशन ऑफ टर्नओवर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक पेपर में 2 नंबर का MCQ तो पक्का बनना चाहिए, ठीक है। क्या है इसमें, आपको क्या करना है, टर्नओवर एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स उठाना है, ठीक है। फिर आप समझो अनबिल्ड रेवेन्यू एट द बिगनिंग ऑफ द फिनेंशियल ईयर। अनबिल्ड रेवेन्यू, ऐसा रेवेन्यू जो मैंने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में बुक तो कर दिया, ठीक है, लेकिन अभी उसकी बिलिंग नहीं हुई। तो जो बिगनिंग वाला रेवेन्यू है, मतलब उसका मैंने क्या किया, बुक तो कर लिया था, बुक कब किया था, पिछले साल ही बुक कर लिया, लेकिन अभी उसकी बिलिंग नहीं हुई। तो ऑब्वियसली बात है, अब इस बार उसकी बिलिंग होने वाली है, तो हम क्या करेंगे, अनबिल्ड रेवेन्यू जो पिछले साल रेवेन्यू में तो बुक हो गया था, ठीक है, लेकिन उसकी बिलिंग नहीं हुई थी एज पर GST एक्ट, तो हम उसे एड बैक कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये वाली बिलिंग अब इस बार होने वाली है, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, इस बार का टर्नओवर है 200 रुपए, ठीक है, टोटल टर्नओवर है 200 रुपए, है ना। ये 50 रुपए का रेवेन्यू ऐसा था जो ओपनिंग का अनबिल्ड रेवेन्यू था, मतलब इस 50 रुपए को हमने पिछले साल ही बुक कर लिया था रेवेन्यू में। तो ये अब, लेकिन मैंने इस 50 रुपए के ऊपर इस साल बिलिंग करी, तो इस 50 रुपए के ऊपर मैंने GST पे किया, तो ये वाला जो 50 रुपए है, ये 200 रुपए में तो आ नहीं रहा, ठीक है, तो वी शुड एड इट आउट। तो अनबिल्ड रेवेन्यू एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये हमें एड बैक कर देना है, ठीक है। फिर adjusted advances at the end of the financial year. अब आपने time of supply under section 12 और 13 पढ़ा होगा, उसमें अपने क्या बोला कि भाई जब भी पैसा receive हो जाए, अपन को उस पे GST देना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे ही advance receive हो जाए, आपको tax देना पड़ता है, ठीक है। तो आप समझो, आपको, लेकिन ये वाला पॉइंट गुड्स के लिए है नहीं आज की डेट में। गुड्स में तो क्या हो गया, रिमूवल के टाइम पे ही आपको GST देना पड़ता है, ठीक है, लेकिन सर्विसेज में आज भी आपको एडवांस के ऊपर GST देना पड़ता है। तो जैसे ही आपको एडवांस रिसीव हुआ, आपको GST देना पड़ गया, तो आपको क्या करना है, अब देखो, अब मान लो 200 रुपये टर्नओवर आ रहा था, अब आपको 50 रुपये एडवांस रिसीव हुआ, और आपने क्या किया, उसके ऊपर आपको क्या करना है, GST पे ऑफ करना है। तो एज पर GST आपका टर्नओवर कितना हो गया, 250 रुपये, तो आपको ये एड बैक कर देना है। तो अनएडजस्टेड एडवांसेस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो एंड में है वो एड बैक कर देना है, ठीक है, और जो बिगनिंग में है उसे माइनस कर देना है। तो अनएडजस्टेड एडवांसेस एट द बिगनिंग हमें माइनस कर देना है। सिमिलर बेसिस पे अनबिल्ड रेवेन्यू एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये क्या हुआ, ये वो रेवेन्यू है जो हमने इस साल बुक किया, लेकिन इसके ऊपर GST अगले साल पे होगा, ठीक है। तो अभी हमें टर्नओवर में 200 रुपये में से 50 रुपये ही वो वाला है जो इस साल मैंने अनबिल्ड रेवेन्यू है, तो अब मुझे उस 200 रुपये में से हटा देना है, ठीक है। तो ये फंडा भी अपना क्लियर हो जाता है। तो अनबिल्ड रेवेन्यू एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एड बैक करना है,
अनएडजस्टेड एडवांसेस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एडबैक करना है और दोनों नीचे जो मतलब ऑपोजिट वाला नीचे माइनस कर देना है, ठीक है। तो अनबिल्ड रेवेन्यू एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर माइनस कर देना है, अनएडजस्टेड एडवांसेस एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर भी माइनस कर देना है, ठीक है। आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। फिर आप समझो डीम्ड सप्लाई अंडर शेड्यूल वन। अब ऑब्वियसली बात है जो ब्रांच ट्रांसफर अभी हमने ऊपर डिस्कस किया वो यहाँ पे तो आ नहीं रहे होंगे टर्नओवर एज पर बुक्स में, लेकिन वो एज पर जीएसटी डीज आर टर्नओवर, तो अपन को वहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। ये वाला आप पॉइंट हटा दो, ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, ये आप छोड़ दो, भूल जाओ, ये मतलब इस पॉइंट का कोई ज्यादा इंप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। तो ये आप भूल जाओ, पेपर में कभी भी नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। फिर आप अपन आते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट अकाउंटेड फॉर इन द ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट आर नॉट परमिसेबल अंडर द जीएसटी। अब आपने क्या किया, टर्नओवर में मान लो 300 रुपए टर्नओवर था जिसमें से 50 रुपए डिस्काउंट था, तो टर्नओवर एज पर बुक्स कितना हुआ 250 रुपए, लेकिन उस 50 रुपए डिस्काउंट में से 20 रुपए डिस्काउंट अलाउड नहीं था, ठीक है, एज पर जीएसटी। तो आपने क्या किया, ऊपर 250 आ रहा है तो आपको 20 रुपए क्या करना पड़ेगा, एडबैक करना पड़ेगा। तो ट्रेड डिस्काउंट अकाउंटेड फॉर इन द ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट आर नॉट परमिसेबल अंडर जीएसटी, तो उसे हमें एडबैक कर देना है। फिर हमें जब जीएसटी नया नया आया था तो उस समय क्या जीएसटी कब अप्लाई होना था, 1 जुलाई से हमारा क्या बोलते 31 मार्च 2018 तक अप्लाई होना था, ठीक है। तो जो अप्रैल से जून तक का टर्नओवर था वो हमें हटाना था, तो ये भी पॉइंट हो गया। क्रेडिट नोट्स वाला आप पॉइंट रहने दो, ठीक है, ये भी छोड़ दो आप, है ना। अब अपन आते हैं एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एसईजेड टू अ डीटीए यूनिट। ये भी पॉइंट आप वैसे तो अभी इसमें ना थोड़ा सा वो है, मतलब जीएसटी में थोड़े से डाउट है इस वाले पॉइंट के ऊपर, तो ये भी आप अभी छोड़ दो, ठीक है। तो ये आप ये तीन पॉइंट आप रहने देना, बाकी आपको सब लर्न होना चाहिए, ठीक है। एडवांसेस, अनबिल्ड रेवेन्यू, इन सब का आपको फंडा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर अब आपका जिस समय आप कंपोजिशन स्कीम में थे वो वाला टर्नओवर भी आप माइनस कर दो, ठीक है। फिर आप क्या करो, जो सेक्शन 15 की एडजस्टमेंट होनी है, कौन कौन सी, जैसे सेक्शन 15 में कौन कौन सी एडजस्टमेंट होती है, टैक्सेस, ड्यूटी, सेस और फी, 15 2A, ठीक है। फिर 15 2B जो है, 15 2B हमारा हो गया किसी मतलब जो सप्लायर ने इनकर करना था लेकिन मैंने कर दिया, ठीक है। 15 2C इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, 15 2D इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी, ठीक है। और 15 2E हमारा क्या बोलते हैं, और 15 2E वो सब्सिडी वाला। तो ये सारी एडजस्टमेंट करी हमने, है ना। और एडजस्टमेंट इन टर्नओवर ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, ये भी हमने एडजस्टमेंट करी। अब देखो आपको रूल 34 पता होगा, अब इसके ऊपर ना एक आईसीआई ने इलस्ट्रेशन दे रखी है, वो अभी अपन सॉल्व करते हैं। तो अनबिल्ड रेवेन्यू ये सब आपको आसानी से समझ आ जाएगा, इसमें इतना कोई चैलेंज नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। ये आप समझ लेना, बहुत ईजी है, मतलब इनमें कुछ इतना चैलेंज नहीं है। आपको जो समझना है वो एक्सचेंज रेट वाला समझना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 34 क्या बोलता है, रूल 34 अभी आपके सामने मैं खोलता हूँ, रूल 34 ऑफ द सीजीएसटी रूल, वो बोलता है कि जो रेट ऑफ एक्सचेंज हमें यूज करना है ना, वो कौन सा यूज करना है, सीबीआईसी वाला, जो कि सीबीआईसी नोटिफाई करता है, तो वो हमें एक्सचेंज रेट यूज करना है, रूल 34 ऐसा बोलता है, ठीक है। अब देखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या हुआ, लेट सपोज मैंने 800,000 रुपए का सामान बेचा, जब सीबीआईसी जो नोटिफाइड रेट है वो 65 है, तो इसका मतलब एज पर जीएसटी जो मेरा टर्नओवर है वो कितना हुआ, 65 लाख, ठीक है, 65 लाख हुआ ना, हाँ 65 लाख मेरा टर्नओवर हो गया। लेकिन अब मैं जब बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री डालता हूँ तो मैं क्या यूज करता हूँ, आरबीआई रेफरेंस रेट, तो मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट में इतना टर्नओवर हुआ 68 लाख, है ना। तो ऑब्वियसली बात है देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ₹3 लाख, और वो मुझे कहाँ पे रिपोर्ट करना है, वो यहाँ पे रिपोर्ट करना है, ठीक है। अब अगर मान लो अब क्या हुआ, जो मुझे पेमेंट रिसीव हुई वो 70 रुपए से रिसीव हुई, तो 2 लाख का मेरा गैप आ रहा है। अब ये कहाँ पे गया होगा, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस में। अब पता चला कि जो मैंने क्या बोलते हैं, मतलब अगर मान लो मैं ऊपर जो टर्नओवर एज पर दी बुक्स जो ले रहा हूँ, अगर इसमें फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन भी इंक्लूडेड है, ठीक है, तो ऊपर जो टर्नओवर आ रहा है अगर इसमें ऊपर वाला भी मतलब वो इंक्लूडेड है, तो हमें 5 लाख माइनस करना पड़ेगा। देखो 3 लाख तो ये वाला, ठीक है, और 2 लाख ये वाला। तो सिंपल सी बात है, आप देखो जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो रेट यूज हो रही है वो ये वाली हो रही है, ठीक है, लेकिन एज पर जीएसटी जो यूज करनी है वो ये वाली करनी है। तो ये जो डिफरेंस है दैट नीड्स टू बी रिपोर्टेड इन हमारा क्या बोलते हैं, ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। लेकिन अगर मान लो आप जो टर्नओवर रिपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट जो आप रिपोर्ट कर रहे हो वो एज पर 70 कर रहे हो, तो आपको 5 लाख रिपोर्ट करना पड़ेगा इन दिस कॉलम। तो देखो डिपेंड करता है, अगर आप जो ऊपर वाला जो कॉलम है अगर आप इसमें इंक्लूडिंग फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन ले रहे हो तो आपको 5 लाख रिपोर्ट करना है। अगर आप एक्सक्लूडिंग फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन जो लेजर में आ रहा है वो ले रहे हो तो आपको 3 लाख रिपोर्ट करना है। तो ये आपको लेकिन पेपर में इसी फॉर्मेट में आप कर गया ना कि 2 लाख रुपए इसका हो गया, ठीक है, तो ये अपने को रिपोर्ट करना है। ये 2-3 इलस्ट्रेशन है, ये एक बार आप देख लेना, ठीक है। तो ये फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की एडजस्टमेंट हो गई, ये दिस इज एज पर रूल नंबर 34 ऑफ द सीजीएसटी रूल, ठीक है। और
एडजस्टमेंट इन टर्नओवर ड्यू टू रीजंस नॉट लिस्टेड अबव. तो ये बहुत इजी है, कुछ इतना पढ़ना नहीं है इसमें, ठीक है. फिर अब हमारा एनुअल टर्नओवर आ गया, ठीक है. इसमें से हमें एग्जम्प्टेड वाली सप्लाई माइनस करनी है. अब हमें टैक्सेबल टर्नओवर का रिकंसिलिएशन करना है, तो ऑब्वियसली बात है हम एग्जम्प्टेड सप्लाईज माइनस कर देंगे. तो हमने एग्जम्प्टेड सप्लाईज माइनस कर दी, जीरो रेटेड सप्लाई माइनस कर दी, और हमने वो सप्लाईज माइनस कर दी जिसमें रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज में देगा. लेकिन अब ये पॉइंट आप समझो, ये उस बंदे के लिए नहीं है जो रेसिपिएंट है जो रिवर्स चार्ज में टैक्स दे रहा है, उस बंदे के लिए जो सप्लाई कर रहा है. लेट सपोज मैं GTA सर्विस प्रोवाइडर हूं. अब GTA क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है, और रेसिपिएंट समझ लो लेट सपोज XYZ बंदा है, ठीक है. तो ये वाला जो 7D में जो रिपोर्टिंग होगी दैट विल बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सप्लायर, दैट इज द GTA, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ XYZ, दैट इज द रेसिपिएंट. हालांकि टैक्स कौन दे रहा है, XYZ, लेकिन उसके वहां पर कुछ रिपोर्ट नहीं होगा, ठीक है. रिपोर्टिंग कहां पे हो रही है, 7D में जो रिपोर्टिंग है दैट इज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सप्लायर, ठीक है. अब आप इसका लॉजिक समझो, लॉजिक आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है. लॉजिक क्या बोलता है, आप मान लो 100 रुपया सप्लाई करते हो, ठीक है. इसमें से 20 रुपए की आपकी सप्लाई वो है जो RCM में टैक्सेबल है, जिसमें कौन देगा, रेसिपिएंट देगा. तो आपकी जो टैक्सेबल टर्नओवर हुआ, आपको जिसके ऊपर टैक्स देना है, वो तो सिर्फ 80 रुपए हुआ ना, इसलिए 7D में रिपोर्टिंग होती है. तो 100 - 20 क्या हुआ, 80 रुपए, 80 रुपए पे आपको टैक्स देना है. तो ये अपना पॉइंट हो गया. एग्जम्प्टेड सप्लाई में जैसे हो सकता है, अभी अपन ने पढ़ा ना 7A में टोटल एनुअल टर्नओवर आया जिसमें से हमें एग्जम्प्टेड सप्लाई माइनस करनी है. तो एग्जम्प्टेड में कैसे हो सकती है, जैसे कंसल्टेशन फीस, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, या फिर एग्जम्प्टेड सप्लाई ऑल्सो इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई जैसे पेट्रोल की सप्लाई या फिर लैंड सोल्ड. तो लैंड इज कवर्ड इन द Schedule 3, ठीक है. तो Schedule 3 में वो वाली सप्लाई भी, तो दिस इज नॉट अ सप्लाई. तो इसमें सारी चीज़ें अपन को नॉन GST सप्लाई, नो सप्लाई टर्नओवर, तो हमें यहाँ पे सारा रिपोर्ट करना है, ठीक है. फिर अपन को जीरो रेटेड सप्लाई, ये क्या हो गया, एक्सपोर्ट वाला सप्लाई हो गया, ठीक है. तो जीरो रेटेड सप्लाई बट दैट इज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स. अगर हमने एक्सपोर्ट में विद पेमेंट ऑफ टैक्स किया है तो देन वी नीड नॉट रिपोर्ट, क्योंकि वो फिर हमारा टैक्सेबल टर्नओवर का पार्ट बनेगा, ठीक है. ना अदरवाइज अगर हमने मान लो इन वो क्या बोलते हैं ना, विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉन्ड और LUT किया है, तो देन इट विल बी रिपोर्टेड हेयर, है ना. तो यहाँ पे उसे रिपोर्ट करना है. सप्लाई ऑन विच द टैक्स इज पेड अंडर रिवर्स चार्ज, ये बेसिकली आप एग्जाम्पल ले सकते हो जैसे GTA, ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप देखो GTA कंसाइनमेंट नोट देता है और उस पर 12% GST चार्ज कर रहा है. तो जब अपन ने पढ़ा है GST रूल में, GST के 9(3) में वो अपन ने पढ़ा है कि जब जब GTA 12% से चार्ज करता है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द फॉरवर्ड चार्ज एंड इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर द रिवर्स चार्ज. तो ये हमें रिपोर्ट नहीं करना है, हेंस द टैक्स हैज टू बी पेड बाय द GTA अंडर फॉरवर्ड चार्ज एंड दिस ट्रांजेक्शन शुड नॉट बी एंटर्ड इन टू 7D. ये 7D में वो ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करनी है जिसमें रिवर्स चार्ज में टैक्स दे रहे हैं, ठीक है. अब यहाँ पे देखो आप, है ना, इस वाले में क्या था, इस वाले में RCM में जाना था, ठीक है. तो हमें मतलब उसे हमें रिपोर्ट करना है, 2 मिनट, 7D, हाँ 7D में आ गया मैं, ठीक है. तो इसमें क्या था, टैक्स इज टू बी पेड बाय द पर्सन बिकॉज ऑफ दिस वाइल दी हैज टू बी एंटर्ड इन 7D बट वाइल प्रिपेयरिंग द GST R9C ऑफ द रेसिपिएंट. लेट सपोज XYZ था अपने एग्जाम्पल में, इट विल नॉट बी एंटर्ड, क्योंकि वो उसके लिए तो सप्लाई है ही नहीं ना, वो तो सिर्फ एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स दे रहा है. तो ये पॉइंट भी अपना कवर हो जाता है. अब आप समझो एडवोकेट ने गलती से क्या किया, 100 रुपये ही सप्लाई दी और उस पर 18 रुपये GST चार्ज कर दिया और 18 रुपये चार्ज करके जमा भी गिरा दिया. हालांकि एडवोकेट की सर्विसेज इज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है. तो क्या अब सवाल आया कि क्या इसे रिपोर्ट करना चाहिए जहाँ पे मैंने गलती से GST कलेक्ट कर लिया हालांकि वो रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई थी. तो जवाब आया हाँ, मतलब आपको इसमें 7D में रिपोर्ट करना है, ठीक है. हैंस द ट्रांजेक्शन शुड बी डिक्लेयर्ड इन 7D, भले ही आपने गलती से कलेक्ट करके पे भी कर दिया, ठीक है. GST रॉन्गली कलेक्ट and paid by the advocate will not change the fact that the aforesaid service is liable to reverse charge and hence merits insertion in 7D. अब देखो इनका क्या लॉजिक है. अब यहाँ पे क्या पूछा, supply on which tax is to be paid by the recipient on the reverse charge basis. तो भले ही चाहे आपने forward charge में भी दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो था on the reverse charge then it needs to be reported here. तो ये 7D भी आपको clear हो जाना चाहिए. taxable turnover बाकी सब इतना important नहीं है. ITC का reconciliation वाला table आपको समझा देता हूँ एक, वो बहुत important है, वो एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे अपने को थोड़ा सा क्वेश्चन में रहना है, ठीक है. जैसे लेट सपोज ये देखो, है ना. अब देखो ITC हैज बुक्ड इन द GST रिसीवेबल लेजर फॉर द फाइनेंशियल ईयर इंक्लूड द फॉलोइंग, ठीक है. तो 3 लाख रुपए, 15 लाख रुपए एंड 2 लाख रुपए. द रिपोर्टिंग ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन शैल बी मेड इन दिस कॉलम ITC ऑन परचेज ऑफ द इनपुट्स क्लेम. तो ITC रिकंसिलिएशन में बहुत सिंपल है, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट लो, ठीक है. और ITC बुक्ड इन द अलर्ट
अर्लियर फिनेंशियल ईयर, जो जो बुक्स में पहले बुक किया था, लेकिन अभी मैं क्लेम कर रहा हूँ रिटर्न में, ठीक है, क्लेम्ड इन द करंट फिनेंशियल ईयर, इसे ऐड बैक कर दो, और जो मैंने क्लेम पहले कर लिया ITC बुक्ड इन द करंट फिनेंशियल ईयर टू बी क्लेम्ड इन द सब्सिक्वेंट फिनेंशियल ईयर, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में अभी बुक कर लिया लेकिन मैं इसे क्लेम अगले साल करूंगा तो उसे माइनस कर दो। तो ये हमारा क्या हुआ एज ITC एज पर द एनुअल रिटर्न। तो देखो पहले एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट कितना आ रहा है, जो पिछले साल का था और जो इस साल क्लेम किया है उसे ऐड बैक कर दो, और जो इस साल का था जो मैं अगले साल क्लेम करूंगा उसे माइनस कर दो। तो ये आपका ITC का कैलकुलेशन हो गया। फिर आप आओ, ये इलस्ट्रेशन तो बहुत इजी है ना, फिर आप यहाँ पे आओ। हाँ, यहाँ पे अपने को बहुत ध्यान से समझना है। देखो यहाँ पे क्या था, रॉ मटेरियल परचेज किया, कंज्यूमेबल्स परचेज किया, फूड आइटम्स परचेज किया। अब आपको पता होगा सेक्शन 17(5) में फूड आइटम्स का ITC अलाउड नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या है, इन एलिजिबल ITC है। तो 12,000 रुपये क्या है, इन एलिजिबल ITC है। तो देखो टोटल ITC वाला जो कॉलम होता है, जो यहाँ पे जो टोटल ITC का कॉलम होता है ना, जहाँ पे टोटल ITC बताना होता अपने, ये टेबल नंबर 14 में, ठीक है, टेबल नंबर 14 में अपन को बताना होता है कि परचेज का इतना था, टोटल ITC इतना था, इसमें से एलिजिबल ITC इतना था। तो टोटल ITC में हम कितना रिपोर्ट करेंगे, इंक्लूडिंग ऑफ द इनएलिजिबल ITC, तो 850,000 प्लस 60,000 प्लस 12,000, तो टोटल हम कितना रिपोर्ट करेंगे, 222,000 टोटल ITC। लेकिन एलिजिबल ITC कितना था, सिर्फ 210,000, ठीक है। तो और जो परचेजेस भी हम जो रिपोर्ट करेंगे डेट विल बी द टोटल, तो ये टोटल 20 प्लस 4 प्लस 1.2, तो इट टर्म्स अप टू 25,20,000। तो ये हमारी रिपोर्टिंग होगी। तो अगर मैं पॉइंट नंबर 14, टेबल नंबर 14 की बात करूं, तो रिकंसिलिएशन ऑफ द ITC कैसे होगा, यहाँ पे वैल्यू में टोटल वैल्यू आएगी, यहाँ पे टोटल ITC आएगा, लेकिन यहाँ पे वही ITC आएगा जो एक्चुअल में हमने अवेल किया है। तो ये हमारा ITC का रिकंसिलिएशन भी हो जाता है। अब देखो पार्ट नंबर बी में हमारी ऑडिट रिपोर्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको एक बार करा देता हूँ। अभी अपन ने पढ़ा था टेबल नंबर जो पहली थी उसी में हमने फोर्थ पढ़ा था कि आर यू लायबल टू ऑडिट अंडर एनी अदर एक्ट। तो सर्टिफिकेशन इन केस वेयर द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज ड्रॉन अप बाय द पर्सन हु हैड कंडक्टेड द ऑडिट एंड GST ऑडिट सर्टिफिकेशन। तो अगर आपने ही ऑडिट किया था और आपने ही GST ऑडिट किया है, तो आपको क्या लिखना है, दैट वी हैव एग्जामाइंड द फिनेंशियल्स। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने ही फिनेंशियल्स एग्जामाइन किए थे, बेस्ड ऑन सच ऑडिट वी रिपोर्ट दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर द GST एक्ट। मतलब ये कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहा है, जो GST एक्ट के ये बोला है हैव बीन मेंटेन, हैव बीन और हैव नॉट बीन मेंटेन। तो देखो आई हैव एग्जामाइंड द फाइनेंशियल्स एंड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिक्वायर्ड अंडर द GST एक्ट हैव बीन और हैव नॉट बीन मेंटेन। आई रिपोर्ट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स इफ एनी, ठीक है। आई फर्दर रिपोर्ट दैट आई हैव सॉट ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन दैट द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन मेंटेन। ये कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो कि कंपनीज एक्ट के बुक्स ऑफ अकाउंट है, ठीक है। यहां ऊपर जो क्लॉज नंबर 2 में पूछा था, स्टेप नंबर 2 में, दैट इज अंडर द GST एक्ट वाली, ठीक है। और फिनेंशियल्स आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये हमारा 3 पॉइंट हो जाते हैं। एंड वेदर द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आर एनेक्स्ड, हमने अपनी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लाई है इन फॉर्म नंबर 9C, एंड पर्टिकुलर्स इन फॉर्म नंबर 9C आर ट्रू एंड फेयर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशंस है, एंड फिर हमारा सिग्नेचर एंड स्टैंप लगा देंगे, ठीक है। अब देखो जब मैंने ऑडिट नहीं किया है, तो ऑडिट वॉज कंडक्टेड बाई अनादर ऑडिटर एंड द कॉपी ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट एंड द फाइनेंशियल्स आर एनेक्स। फिर स्टेप 2 में हम क्या बताते थे कि क्या जो बुक्स ऑफ अकाउंट GST ऑडिट रिक्वायर करता है, क्या वो मेंटेन्ड है या नहीं है। इवन विदाउट कंडक्टिंग द ऑडिट रिपोर्ट वेदर द बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर द GST एक्ट हैव और हैव नॉट बीन मेंटेन। मतलब ये वाला मुझे भी रिपोर्ट करना पड़ेगा कि क्या बुक्स ऑफ अकाउंट जो GST एक्ट वाले हैं, क्या वो मेंटेन है या नहीं है, ठीक है। हालांकि मुझे वो वाला जो थर्ड वाला जो कॉलम नहीं था यहाँ पे कि प्रॉपर ओपिनियन दे रहे ना, वो वाली स्टेप हमारी गायब हो जाएगी, बाकी सब सेम रहने वाला है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक MCQ में 100% पूछे जाने वाला सवाल है। अगर आप GSTR 9 और 9C नहीं फाइल करते, तो आपकी क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकती है। देखो आपने पढ़ा सेक्शन 44 में एनुअल रिटर्न भरनी पड़ती है, सेक्शन 44 का नॉन कम्प्लायंस होता है तो सेक्शन 47 की लेट फीस लगती है, एंड दिस लेट फी इज इक्वल टू ₹100 पर डे, ठीक है, एंड 100 पर डे, बट सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ
0.25% of the turnover in the state. तो 100 रुपये per day, but subject to a maximum of 0.25% of the turnover in the state. तो आपको 100 रुपये ही पेनल्टी लगेगी per day, but subject to the maximum of 0.25%, 0.25% of the turnover in the state. लेकिन ये जो फीस है सिर्फ SGST एक्ट के अंडर है, मतलब आपको CGST अंडर के मतलब SGST और CGST दोनों में, मतलब 100-100 रुपये दोनों में लगेंगे, 100 रुपये SGST में भी लगेंगे, 100 रुपये CGST में भी लगेंगे, ठीक है. तो 100 रुपये और 0.25% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट विच एवर इज लोअर, ये आपकी पेनल्टी है अगर आप सेक्शन 44 का कंप्लायंस नहीं करते, ठीक है. लेकिन अब आपने पढ़ा सेक्शन 44 बोलता है कि आपको एनुअल रिटर्न भरनी है, साथ साथ में ऑडिटेड अकाउंट्स लगाने हैं एंड GSTR 9C लगानी है. तो अगर आप GSTR 9C, मतलब आप क्या करते हो, एनुअल रिटर्न तो भर देते हो लेकिन आप 9C नहीं लगाते, तो भी आप क्या मान लिया जाएगा, दैट यू हैव नॉट कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 एंड आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है सेक्शन 47 वाली, ठीक है. तो देखो 44 क्या बोलता है, आपको एनुअल अकाउंट साथ में लगाने हैं एंड 9C लगानी है. तो अगर आप 9C नहीं भरते तो आपको सेक्शन 44 का नॉन कंप्लायंस माना जाएगा एंड यू विल अट्रैक्ट दी पेनल्टी ऑफ सेक्शन 47, ठीक है, जो कि है 100 रुपये पर डे एंड 0.25 अप टू द 0.25% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट. तो मतलब अगर आप चाहे एनुअल रिटर्न नहीं भरते या फिर उसकी ऑडिट रिपोर्ट नहीं भरते, दोनों केस में ये वाली पेनल्टी तो लगनी ही लगनी है, ठीक है. लेकिन अगर आप ऑडिट रिपोर्ट भी नहीं भरते, GSTR 9C भी नहीं भरते, ठीक है, तो आपको 25,000 रुपये की चपत लग जाएगी अंडर सेक्शन 125 ऑफ द CGST एक्ट. तो ये आपको 25,000 रुपये की पेनल्टी लग जाएगी, ये जनरल पेनल्टी है ना. तो जिस देखो GSTR 9C का नॉन कंप्लायंस करने के लिए वैसे कोई पेनल्टी नहीं है, लेकिन वो एक इम्प्लाइड पेनल्टी है क्योंकि सेक्शन 44 में ऐसा लिखा है दैट यू नीड टू फाइल द एनुअल रिटर्न विद द ऑडिटेड क्या बोलते हैं GSTR 9C. तो अगर आप वो नहीं फाइल करते तो इट इज डीम्ड टू बी द नॉन कंप्लायंस ऑफ GSTR 9 एंड अकॉर्डिंगली द लेवी अंडर सेक्शन 47 विल बी अट्रैक्टेड. तो ये अपना पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है, बाकी सब इजी है. तो होप यू हैव लाइक द वीडियो. आई हैव ट्राइड टू कवर GST ऑडिट विद इन अ स्पैन ऑफ 45 मिनट्स. देखते हैं अब आपको कितना समझ आया, थोड़ा जल्दी हो गया लेकिन कोई नहीं, ठीक है. थैंक्स अ लॉट.